हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रोंची भाई। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है गाइज, पूरे यूट्यूब एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी से रिलेटेड। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना, और फ्यूचर में भी इसी तरह के स्टोरीज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। तो आप सबको पता होगा कि कल इंडिया ने पाकिस्तान से 5 विकेट से हार गई, जिस पर कुछ यूट्यूबर ने रिएक्ट किया। टोटल गेमिंग ने कहा फाइनल में देख लेंगे भाई। तन्मय भट्ट ने ट्वीट किया कंट्रोलिंग माई फीलिंग बिकॉज टीवी महंगे हैं। न्योन मैन ने कहा चलो फिर मिलते हैं फिर फाइनल में विथ आंसू वाली इमोजी। रोनी दास गुप्ता ने ट्वीट किया आई जस्ट ब्रोक माई टीवी एंड रियलाइज अभी फाइनल बचा है। जूली ब्लॉग ने मीम शेयर की आज मेरे दुख मेरी निराशा की कोई सीमा नहीं। तो गौरव तनेजा ने कहा कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। साथ ही आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक मीम भी शेयर किया वो रात अपन 2 बजे तक पिया। हर्ष बेनीवाल ने भी स्टोरी शेयर की देखिए। वही पूरब झा जो हर्ष बेनीवाल का ही टीम मेंबर है उसने भी स्टोरी शेयर किया, आप देखिए वीडियो। ये 18 पे चल रहा है पर पसीना देखो कितना गलत आ रखा है प्रेशर की वजह से भाई। भाई क्या मैच हो रखा है ये। इसीलिए मैंने कमेंट्री और बकचोदी नहीं करी आज ज्यादा, क्योंकि चप्पल पड़ती फिर मुंह पे मेरे और क्या। ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है डिस्प्रेशन में। आल्सो क्रिकेटर बसीम जाफर ने ट्वीट करते हुए कहा इट वाजंट आवर डे बट आई एम श्योर टीम इंडिया विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। ओके तो चलिए अब बात कर लेते हैं विराट कोहली को लेकर। तो आप सबको पता होगा कि विराट कोहली ने एशिया कप से पहले रेस्ट लिया हुआ था और उनका फॉर्म भी सही नहीं चल रही थी। तो कल विराट कोहली ने 60 रन बनाए 44 गेंद में, जिस पर कुछ क्रिकेटर एंड यूट्यूबर ने रिएक्ट किया। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मोहम्मद कैफ की। तो उन्होंने ट्वीट किया विराट कोहली विल ऑलवेज बी ए चैंपियन क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर टू प्ले द गेम एंड समवन हु मेक्स अस प्राउड टू बी एन इंडियन। टोटल गेमिंग ने कहा विराट वर्सेस पाकिस्तान। आल्सो हरमन मावी ने ट्वीट किया नो आई नो व्हाई पीपल कॉलिंग हिम किंग। तन्मय भट्ट ने कहा यस गिव मी दैट स्लो मो ऑफ विराट राइजिंग द बैट प्ले इट अगेन गिव इट टू मी। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं अर्शदीप की कैच ड्रॉप को लेकर। उस पे बहुत सारे क्रिकेटर एंड यूट्यूबर ने रिएक्ट किया। युवराज सिंह ने ट्वीट किया इफ यू बेयर एट द एज ऑफ आवर सीट ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इमेजिन द प्रेशर ऑन द प्लेयर इन द पार्क वन ड्रॉप कैच डजंट डिफाइन एबिलिटी वी नीड टू यूनाइट एज ए क्रिकेट लविंग नेशन एंड सपोर्ट यंगस्टर इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम मोर पावर टू यू अर्शदीप सिंह। तो भाई हरभजन सिंह ने ट्वीट किया स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यंग अर्शदीप सिंह नो वन ड्रॉप द कैच पर्पसली वी आर प्राउड ऑफ आवर वाई पाकिस्तान प्लेड बेटर सेम ऑन यू सच ए पीपुल हु आर पुटिंग आवर ओन गाइंग चीप थिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म अबाउट अर्स एंड टीम अर्स इज गोल्ड। वही मोहम्मद हाफिज जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उसने भी ट्वीट करते हुए कहा माई रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन टीम फैंस इन स्पोर्ट वी मेक मिस्टेक एज वी आर ह्यूमन प्लीज डोंट ह्यूमिलिएट एनी वन ऑन दिस मिस्टेक। तो वही विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा अर्शदीप को लेकर आप खुद ही देख लीजिए। कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप एज ए सीनियर खिलाड़ी उनको क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा। अभी प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी। तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के लिए, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आस पास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अब दोबारा मेरे पास क्या चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं यूट्यूबर की रिएक्शन की अर्शदीप सिंह के कैच ड्रॉप पर। तो टोटल गेमिंग ने कहा अर्शदीप सिंह मस्त ओवर करता है बट लास्ट ओवर में रन कम था इसलिए वरना अर्शदीप इजी पीजी जिता देता। तो लक्षा चौधरी ने कहा अर्शदीप का करियर गया, एशिया कप में आपने आखिरी बार देखा अर्शदीप और आवेश खान को इंडियन जर्सी में। आल्सो कलकलोना ने भी ट्वीट किया कैचेज बिन मैचेज बट कोई गलती इंसान से ही होती है वेल प्लेड टीम पाकिस्तान एंड हैशटैग स्ट्रॉन्ग अर्शदीप यू डिड वेल। आल्सो स्वेगर शर्मा ने एक स्टोरी शेयर किया आप देखो।
अर्शदीप भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? करियर खत्म है कह रहे अर्शदीप भाई, आप आईपीएल खेलो अभी कम से कम 15 साल और। तो गाइज आपका क्या रिएक्शन है कल के मैच एंड अर्शदीप को लेकर, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बिस्ट के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिस्टर बिस्ट एक बिस्ट बर्गर रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। तो कल उस रेस्टोरेंट का ओपनिंग सेरेमनी था तो काफी लोग आए थे, आप देख सकते हो। तो मिस्टर बिस्ट ने ट्वीट किया, आई लिटरली वर्क इन माई स्टूडियो ऑल डे एंड रेयरली ever leave, so seeing something like this is mind blowing. Also उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, आप देखिए। आल्सो एक रिकॉर्ड बना कि फर्स्ट डे सिंगल रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा बर्गर सेल हुआ है, उसी के बारे में मिस्टर बिस्ट ने ट्वीट किया, आवर ग्रैंड ओपनिंग ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट बर्गर सोल्ड इन डे बाय ए सिंगल रेस्टोरेंट लोल। आई आल्सो ट्राई टू टेक ए फोटो विद एवरीवन दैट शोड अप, प्रोब टुक ए कपल थाउजेंड फोटो, आई एम सो एग्जॉस्टेड। गाइज आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और फ्यूचर में भी पूरे यूट्यूब एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइज तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।